नमस्कार, आदाब। आप सबों को हार्दिक अभिनंदन। तमाम प्रकार के वीडियोस आपको मिल रहे हैं, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे आगे बढ़ाएं। आज का वीडियो भी बहुत ही संवेदनशील है, बहुत ही संवेदनशील। इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि बहुमत की आड़ में सरकार को यह बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए कि ये जनता के सरकार है, जनता के द्वारा स्थापित है, जनता के लिए है। सरकार ने जिस प्रकार से पृथक्करण की सिद्धांता यानी सेपरेशन ऑफ लॉ का जो सिद्धांत का जो लगातार उल्लंघन हुआ है इस 2014 से 2019 के कार्य में, तो इसका और भी विस्तार हुआ है। तो आज का जो वीडियो है वह जो है ना अध्यादेशीकरण पर होगा। भारत सरकार किस प्रकार से लगातार अध्यादेश के माध्यम से कानून को धड़ल्ले से पार कर रही है। देखिए हाल में क्या हुआ, केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी और उससे जुड़े हुए जो क्षेत्र हैं वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग पर एक अध्यादेश 2020 को रीप्रोमोलगेशन अर्थात फिर से जारी कर दिया गया। ध्यान रहे, अध्यादेश में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु की गुणवत्ता प्रबंधन हेतु एक आयोग की स्थापना की बात है। इस प्रकार संसद में पेश किए गए बिना, संसद में पेश नहीं हुआ फिर भी बिना संसद में पेश किए कानून बनाने के लिए बार बार अध्यादेश जारी करने का कई प्रश्न इस पर खड़ा हो रहा है कि क्या कानून बनाने के लिए आप अध्यादेश का सहारा बार बार लीजिएगा। चलिए ऐतिहासिक दृष्टिकोण से इसके बात करते हैं। देखिए 1950 के दशक में हर साल लगभग 7 पॉइंट समथिंग अध्यादेश जारी होता था, लेकिन 1990 के दशक में इसकी संख्या बढ़कर 20% हर साल 20 हो गई है। और पिछले कुछ वर्षों में अध्यादेशों की संख्या में उच्च वृद्धि देखी गई है। 2019 में यह 16 था और 2020 में यह था 15। अध्यादेश की जो कल्पना है वास्तव में आपातकालीन प्रावधान के रूप में की गई थी, मतलब एक इमरजेंसी स्टेट क्रिएट हो जाए, संसद सदन में नहीं, सत्र में नहीं हो, विशेष परिस्थिति हो, हर हालात में कुछ ना कुछ लेना हो निर्णय। किंतु हाल के वर्षों में अध्यादेश के लगातार उपयोग से विधायिका की प्रासंगिकता और शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत पर एक वक्त लग गया है, एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है। चलिए इससे जुड़े हुए कुछ संवैधानिक प्रावधान जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए एंड मेंस राइडिंग के लिए। संविधान के अनुच्छेद 123 कहता है कि कार्यपालिका को अधिकार है कि कुछ विशेष परिस्थितियों में अध्यादेश जारी करे। अध्यादेश तभी जारी किया जा सकता है जब संसद या फिर राज्य विधायिका के दोनों सदनों में से कोई एक सदन सत्र में नहीं हो और राष्ट्रपति को इस बात का स्पष्ट संतुष्टि मिल जाए कि तत्काल कार्यवाही करना बहुत ही जरूरी है, तभी अध्यादेश जारी कर सकते हैं। हालांकि संसद की कार्यवाही जैसे फिर से प्रारंभ होगी दोनों सदनों द्वारा 6 सप्ताह के समय सीमा के अंदर अध्यादेश को पार करना जरूरी है, अर्थात उसको कानून का रूप देना है। यदि दोनों सदनों ने इसे खारिज करके स्पष्ट मतदान कर दिया अथवा राष्ट्रपति के द्वारा इसे वापस ले लिया गया तो अध्यादेश का खत्म, अध्यादेश समाप्त हो जाएगा, कानून नहीं बनेगा। तत्काल थोड़े समय के लिए वो नियम था। यदि संसद की कार्यवाही शुरू होने के बाद 6 सप्ते की समय सीमा के भीतर अगर अध्यादेश पर संसद विचार नहीं करती है तो वो ऑटोमेटिक समाप्त हो जाएगा। इसी प्रकार अनुच्छेद 213 के तहत राज्य सरकारों के लिए भी इस तरह के प्रावधान मौजूद हैं। चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट जजमेंट जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस पर दिए गए हैं और उसका किस तरह से धड़ल्ले से सरकार उल्लंघन करती आ रही है। सबसे पहला केस है आरसी कूपर, 1970 का केस है। आरसी कूपर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, वर्ष 1970 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने के फैसले को इस आधार पर चुनौती दी जा सकती है कि तत्काल कार्रवाई की कोई जरूरत ही नहीं थी और अध्यादेश मुख्य रूप से सदन में बहस और चर्चा को बायपास करने के लिए लाया गया था। वास्तव में जो पार्लियामेंट का सिस्टम है इसमें लोकसभा की जो भूमिका है उसमें जो विपक्ष की भूमिका है अर्थात जो चर्चा की जो भूमिका है वो अध्यादेश तो पूरी तरह से समाप्त कर देता है।
इसी प्रकार 1987 का एक केस है, डीसी वाधवा केस, अध्यादेश के लगातार प्रयोग के मुद्दे को फिर से एक याचिका के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट के पास ले जाया गया। यह याचिका बिहार में वर्ष 1967 से 1981 के बीच 256 अध्यादेश की घोषणा से जुड़ा हुआ है। इनमें से 11 ऐसे अध्यादेश शामिल थे जिनको 10 से अधिक वर्षों तक लगातार प्रयोग में लाया जाता रहा, मतलब हर 6 सप्ताह से पहले उसको फिर से अध्यादेश के रूप में दे दिया जाता था, कानून का रूप देने से पहले उसको फिर से लागू कर दिया जाता था। इस कारण उस समय बिहार का जो अर्थव्यवस्था था, या फिर कहे तो बिहार की जो समाज व्यवस्था थी, एक तरह से कानून व्यवस्था को बिहार का अध्यादेश राज कहा गया, बहुत प्रसिद्ध हुआ अध्यादेश राज बिहार। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कार्यपालिका के द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति का प्रयोग असाधारण माने एबनॉर्मल स्थिति में होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हर केस में आपने अध्यादेश बना दिया। विधायिका का जो रोल है उसको तो निभाने दीजिए, कार्यपालिका विधायिका की जो अपनी अपनी भूमिका है, अपने अपने दायरे हैं, अपने अपने क्षेत्र है, जिसका संविधान में भी जिक्र है, उसका सम्मान कीजिए। लेकिन सरकार तो बहुमत के आड़ में इस तरह से धूत हो गई है, नशे में इस प्रकार से चूर है कि अध्यादेश तरह से मतलब अध्यादेश के माध्यम से ही कानून बनेगा। इसी प्रकार का हालिया केस है कृष्ण कुमार सिंह 2017 का, कृष्ण कुमार सिंह बनाम बिहार राज्य। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अध्यादेश को जारी करने का अधिकार प्रकृति में पूर्ण नहीं है या सशर्त है। ऐसा नहीं है कि जब चाहे आप अध्यादेश के माध्यम से अपने विचार, अपने मतलब एक तरह से दादागिरी प्रस्तुत कर दीजिए। कानून तो चूंकि नियम है कि कानून का जो तरीका है वो तो बहुत ही लंबा है, जटिल है, उसमें विपक्ष का विरोध भी है, और कानून तो आसानी से पास होने वाला नहीं है, तो इसमें सशर्त जोड़ा गया है। अध्यादेश ऐसा नहीं है कि नेचुरल है, चलिए यह सशर्त है, यदि मौजूदा परिस्थितियों में तत्काल कार्यवाही करना जरूरी है तभी इसका प्रयोग कीजिए। अध्यादेश का लगातार प्रयोग से संविधान की जो आस्था है उसके प्रति धोखा है, और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को एक तरह से झुठलाने की बात है, और लोकतांत्रिक प्रक्रिया कहीं ना कहीं इसकी जो साख है वो गिरती नजर आ रही है। इससे संबंधित कुछ मुद्दे जैसे विधायिका विधायी शक्ति का उपयोग नहीं हो पा रहा है, विधायी जो देखिए कानून का निर्माण विधायिका का कार्य है, कार्यपालिका को यह शक्ति विशेष परिस्थितियों में तत्काल आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए प्रदान किया गया है। इस प्रकार बनाए गए कानून की जो समाप्ति ऑटोमेटिक तय होती है, कोई भी अध्यादेश दोनों सदनों की कार्यवाही जैसे प्रारंभ होगी उसके 6 सप्ताह की समय सीमा के अंदर अंदर लागू रहता है, अगर दोनों सदन ने समर्थन दे दिया तब, अगर समर्थन नहीं दिया तो अध्यादेश तो खत्म, किंतु अध्यादेश को पुनः आगे बढ़ाना समय सीमा को फिर से नजरअंदाज करना है। शक्तियों के पृथक्करण सिद्धांत का उल्लंघन है, भारी उल्लंघन है। यू नो अबाउट द सेपरेशन थ्योरी, जिसमें स्प्रिट ऑफ लॉ एक किताब लिखी गई है एवी डाइसी के द्वारा, उस पर कानून का शासन। इसके अलावा मॉन्टेस्क्यू का थ्योरी, जिसमें मॉन्टेस्क्यू ने सेपरेशन ऑफ पावर्स का बात किया है। तो वर्ष 1973 के अगर केशवानंदन भारती बनाम भारत संघ या केरल राज्य, सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा कि संविधान की आधारभूत संरचना के बारे में विचार दिया, तो संविधान की आधारभूत संरचना में बेसिक स्ट्रक्चर में सेपरेशन ऑफ पावर्स यानी शक्तियों के पृथक्करण की बात भी की गई है, जिसका अनुच्छेद 50 में जिक्र भी है, तो अनुच्छेद 50 का भी तो उल्लंघन है एक तरह से। अध्यादेश को संसद के सत्र में नहीं होने पर तत्कालिक कार्रवाई करने के लिए बनाया जाता था, इसका विधायिका का यह विकल्प नहीं है कि विधायिका के लिए नहीं, विधायिका का रास्ता ही ढूंढ लिया आपने। हालांकि अनुच्छेद 123 अध्यादेशों की कोई संख्यात्मक सीमा तय नहीं करता, आप चाहे तो कितने भी अध्यादेश ला सकते हैं। कुछ संविधान में कुछ ऐसे प्रावधान है ना जो खुद मतलब एक तरह से बोलते हैं कि तुम दगाबाजी करो लोकतांत्रिक विधियों का। इस तरह अध्यादेश का पुनर्संयोजन या फिर से अध्यादेश को लाना शक्तियों के पृथक्करण सिद्धांत का भारी उल्लंघन है, क्योंकि यह कार्यपालिका से विधायिका को अलग करने का जो अधिकार दिया गया है वो पूरी तरह से तोड़मोड़ देती है। सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों का भारी नजरअंदाज हो रहा है, अध्यादेश के बारंबार उपयोग पर सख्त फैसले के बाद भी केंद्र और राज्य सरकारों ने कई बार सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणियों को अनदेखा किया, जैसे कि 2013 और 2014 में प्रतिभूति कानून संशोधन अध्यादेश को 3 बार लाया गया,
इसी प्रकार भूमि अधिग्रहण संबंधी जो बिल थे उसको बार बार अध्यादेश के माध्यम से लाया गया, फिर दो बार अप्रैल और फिर मई 2015 में भी फिर से लाया गया। तो हम निष्कर्ष ये कर सकते हैं कि भारत संविधान ने विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के बीच शक्तियों के पृथक्करण सिद्धांत पर बल दिया है, और कानून बनाना तो विधायिका का कार्य है, तो कार्यकारियों को अपना आत्मसंयम दिखाना चाहिए, ज्यादा एक्टिविटीज नहीं करनी चाहिए। इतना जल्दीबाजी में कानून बनेगा तो कानून का सही ढंग से एक तरह से पालन भी नहीं होगा और सम्मान भी नहीं होगा। इतनी जल्दीबाजी क्यों है, सरकार इतनी हड़बड़ी में क्यों है, इस पर विचार विमर्श हो, स्पेशल कमिटीज का गठन किया जाता है, उस पर चर्चा होती है, लोकसभा में विपक्ष की भी भूमिका भी कम है, उस पर आप अध्यादेश का अध्यादेश ला रहे हैं, सोचिए, थिंक अबाउट इट, दिस इज द रिटर्न क्वेश्चन, यू कैन राइट अबाउट इट इन कॉमेंट सेक्शन। अध्यादेश किस प्रकार से संतुलित किया सकता है, शक्ति के पृथक्करण सिद्धांत, आर्टिकल 123, 213 और 50 सबका जिक्र हुआ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।